तो दोस्तों अब सलमान खान करेंगे डायरेक्टर ओम राउत के साथ काम, वो भी एक धमाकेदार एक्शन मूवी में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में डायरेक्टर ओम राउत की आदिपुरुष रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। साथ ही यह फिल्म लोगों का दिल जीतने में भी कामयाब नहीं हो पाई। ओम राउत ने आदिपुरुष के जरिए जो रामायण दर्शकों को दिखाया वो दर्शकों को देखने लायक ही नहीं लगा। खैर इस मूवी से अब किनारा करते हैं और मेन हमारे वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। अब ओम राउत की आदिपुरुष तो गई और अभी अपने कमबैक के बारे में सोच रहे हैं। वही इस वक्त ओम राउत के पास दो बड़ी स्क्रिप्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं, जिसमें वो बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार को लेना चाहते हैं। जी हाँ, इनसाइड अपडेट के अनुसार ओम राउत अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सलमान खान को साइन करना चाहते हैं। वही कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान खान के लिए ओम राउत ने एक स्क्रिप्ट भी तैयार की है और अब वो सिर्फ सलमान खान से मिलकर उस स्क्रिप्ट को सुनाने वाले है। वही इनसाइड अपडेट में ये भी कहा गया है कि ओम राउत के पास दो स्क्रिप्ट मौजूद है, जिसमें एक वो सलमान खान को ऑफर करना चाहते हैं और दूसरी अक्षय कुमार को। जी हाँ, सलमान खान को अपनी फिल्म में लेने के लिए ओम राउत काफी एक्साइटेड। वैसे देखा जाए तो अभी ये दोनों सुपरस्टार काफी बिजी हैं और तो और सलमान खान इन दिनों काफी सोच समझकर ही फिल्में साइन कर रहे हैं। वही अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट बहुत बड़ी है, ऐसे में दोनों ही सुपरस्टार अपनी फिल्मों को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर ओम राउत की स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो हो सकता है कि सलमान खान और अक्षय कुमार इनकी फिल्म के लिए हाँ कर दे। बात करें ओम राउत की इन मूवीज की स्क्रिप्ट के बारे में, मतलब ये मूवीज कैसी होगी, कॉमेडी, एक्शन, रोमांटिक या फिर हिस्टोरिकल, इसके बारे में अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। अगर अक्षय कुमार या सलमान खान इनकी फिल्म को साइन करेंगे तब पता चलेगा कि ये मूवी किस टाइप की होने वाली है। ऐसे में थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा इसकी स्टोरी लाइन जानने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, सलमान खान और डायरेक्टर ओम राउत को साथ में काम करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।